Good morning students, I hope you all are fine. And so today we'll continue our chapter, which is sources of finance. In previous three videos, what you have learned about the meaning of business finance, what is need of the business finance, and what are the classification of sources of business finance. So in previous latest video, what you have learned about the equity shares. What are equity shares, what are their advantages and what are their disadvantages, and what are the rights of the equity shareholder. So today what we are going to do, we will study about the second kind of shares, which are preference shares. Shares are issued by the company to acquire finance, to grab finance from the general public. It is a source of fund, source of finance. So first kind of shares are known as equity shares, which you have learned about earlier video. Now second kind are preference shares. Now you can see the definition here. It refers to those shares which carry preferential rights in the payment of annual dividend and repayment of capital in the event of liquidation. Beta, what happens in equity shares? जब equity shares को company issue करती है, तो those shareholders are known as the equity shareholders. Also, they are known as the owners of the company. Now, equity shareholders के पास right क्या होता है? They get dividend. उनको dividend मिलता है. They have a voting right. They can participate in the management. Clear? अब एक बात आती है. Yeah, what is this? Preferential right. Preference shares होल्डर हैव अ प्रेफरेंशियल राइट्स इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि जब भी एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल प्रायोरिटी किसको दी जाती है? टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. लाइक अ पर्टिकुलर कंपनी हैज अ प्रॉफिट इन अ पर्टिकुलर ईयर, से 1 lakh और 5 lakh, वट एवर. क्लियर? सो from that 5 lakh, after paying all the expenses of the interest, all the interest and taxes, jo remaining amount bachegi, that will be distributed among the shareholders. Now at first the priority of the company is to provide dividend to the preference shareholders, because it contains the preferential right in the payment of annual dividend. Ek right inka ye hai ki unko equity shareholders se pehle dividend diya jata hai. सबसे पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है. क्लियर? देन सेकंड उनके पास कौन सा राइट है बेटा? प्रेफरेंशियल राइट, दैट रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल. आई सेड यू कि इन इक्विटी शेयर्स रीपेमेंट नहीं होती है. इक्विटी शेयर होल्डर्स में रीपेमेंट नहीं होती है. जब तक लाइफ है कंपनी की, तब तक वो शेयर होल्डर्स बने रहते हैं कंपनी के, बट कोई रीपेमेंट नहीं होती है. जस्ट लाइक हम लोन लेते हैं किसी को, तो लोन के अमाउंट रीपे करते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता है. क्लियर? लेकिन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन बेटा, जब लिक्विडेशन हो रही है, लिक्विडेशन इज अ इवेंट जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है. इट मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन लॉसेज ऑफ अ कंपनी, लॉस हो रहे हैं कंपनी को, उस वजह से लिक्विड हो रही है. कुछ भी रीजन हो सकते हैं फॉर अ कंपनी टू वाइंड अप. क्लियर? तो उस पीरियड में क्या होता है बेटा, अंडर दैट पीरियड जब लिक्विडेशन हो रही है, उस टाइम पे भी कैपिटल जो है वो रीपे तो की जाती है, लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी किसको दी जाती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. रीपेमेंट का मतलब जब कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, तो कंपनी क्या करती है, जिन जिन से उन्होंने पैसा लिया है, लोन लिया है, उसके डिबेंचर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सबको रीपेमेंट करना शुरू कर देती है. लेकिन सबसे पहले राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रीपेमेंट पे. सबसे पहले कंपनी इनको रीपे करती है. अगर उसके पास सपोज करो कंपनी के इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपे करने के बाद कंपनी के पास कोई पैसा नहीं बचता है, तो शेयर होल्डर्स को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा. दो चीजें हैं, दे हैव अ प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड. इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले इनको एनुअल डिविडेंड मिलता है. देन सेकेंड टाइम अगर लिक्विडेशन होती है कंपनी की, वाइंड अप की सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पहले मिलेगा देन इक्विटी शेयर होल्डर्स के. क्लियर? नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स में बेटा देर इज नो काइंड, नो टाइप्स, नो काइंड्स. क्लियर? बट नाउ प्रेफरेंस शेयर, देर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. Now what are they? First is cumulative preference shares. Now what is cumulative preference shares? Cumulative मतलब इकट्ठा.
अब कॉमुलेटिव में क्या होता है बेटा, इन इक्विटी शेयर्स, व्हाट आई सेड कि अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उस साल उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और अगर किसी साल उसको कंपनी को लॉस हुआ है तो उस साल उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, बिकॉज कंपनी को तो लॉस हुआ है, डिविडेंड डिविडेंड कैसे मिलता है उनको, फ्रॉम द पार्ट, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से ही डिविडेंड मिलता है, लेकिन एट द टाइम व्हेन कंपनी इज फेसिंग लॉस एट पर्टिकुलर ईयर, एट दैट ईयर दे विल, इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ डिविडेंड. Now, what are cumulative preference shares? Cumulative preference shares are that type, kind of preference shares, जो जिस साल profit मिला है, say 2019-18 में, 2018 में company को loss हुआ है, तो company नहीं able है क्या करने के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी नहीं डिविडेंड पे करेगी, लेकिन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो उस साल का बनता डिविडेंड होगा वो उसको अगले साल प्रोवाइड कर देगी जब प्रॉफिट होगा. सपोज करो इस साल कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 50,000 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होना था या 1,00,000 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होना था. अब इस साल लॉस हुआ है तो वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो नेक्स्ट ईयर जब भी प्रॉफिट होगा उस साल का डिविडेंड प्लस पिछले साल का, जिस साल लॉस हुआ है उस साल का डिविडेंड उनको प्रोवाइड होगा, कुमुलेट होगा, उनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहेगा, और जब तक प्रॉफिट नहीं होता तब तक वो डिविडेंड उनका इकट्ठा होगा, जिस ईयर प्रॉफिट हो गया उसी ईयर पिछला और उस साल का डिविडेंड उनको इकट्ठे ही दिया जाएगा. दैट इज कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये जस्ट लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर साल में उनको प्रॉफिट हुआ है कंपनी को तो डिविडेंड प्रोवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट होता है तो उसको नेक्स्ट ईयर का ही प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए डिविडेंड मिलेगा, लास्ट ईयर का जो लॉस हुआ है उस साल जो डिविडेंड मिलना था वो नहीं काउंट होगा. क्लियर? देन उसके बाद आता है बेटा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ व्हाट आर द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स? दीज आर द दोज शेयर होल्डर्स जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स अदरवाइज व्हाट वी सेड कि ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, बट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, जो शेयर होल्डर, दैट काइंड ऑफ शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. क्लियर? Then non-participating preference shares, again those preference shareholders which, who do not have any kind of right to participate in the management. Then convertible preference shares. Now what are these convertible preference shares beta? Convertible preference shares are those shareholders jinke paas right hota hai ki they can convert their preference shares into equity shares after some period of time. Convertible preference share holders have right to change their, to convert their preference shares into equity shares after a particular period. Clear? तो उनको convertible preference shares कहा जाता है. Then non-convertible preference shares कौन से होते हैं? वो preference shares जिनको convert नहीं किया जा सकता equity shareholders में. Clear? So these are the types of preference shares: cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible and non-convertible preference shares. Now coming to the advantages of preference shares. क्या क्या advantages है preference shares की? Clear? पहले तो मैंने आप लोगों को बताया है preference share नाम ही इसीलिए पड़ा है because of the preferential rights which they carry. They carry some preferential rights. That is why they are known as preference shareholders or preference shares. Clear? Now what are the advantages of preference shares to the company and to the investors? To the company, first advantage is no interference in management. Like I have told you, equity shareholders have right to participate in the management, to interfere in the working of the management. But preference shareholders accept the participating preference shares. जिनके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर्स के पास तो राइट है पार्टिसिपेट करने का, बट उसके अलावा ऑल द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट, टू पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द मैनेजमेंट. सो ये कंपनी के लिए फायदा इसलिए है बेटा, इसलिए एडवांटेजेस है क्योंकि कंपनी बर्डन फील नहीं करती है. बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर का वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस यही है कि मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाती है शेयर होल्डर्स की. क्लियर? तो नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट इज एडवांटेज टू द कंपनी, देन लेस बर्डन ऑन द कंपनी. नाउ अंडर दिस
preference shares, company feels less burden. Now less burden किस लिए feel करती है company? क्योंकि like equity shareholders हैं, वो participate, उनके पास voting rights भी होते हैं, उनके पास right भी होता है to participate in the management, लेकिन under the preference shareholders do not have any kind of interference in management. Clear? Plus उनको भी shares किस, उनको भी dividend मिलता है, उनको एक fixed dividend मिलता है. ये भी एक preferential right है किसका? Preference shareholder का, कि they acquired a fixed dividend. Like equity shareholders में ऐसा नहीं होता है कि उनको fixed dividend मिले, लेकिन some of the preference shareholders have a right to get fixed dividend. तो ये kind of less burden हो जाता है company में, कि हर साल equate करना, हर साल distributing formulas लगा के पैसा dividend find out करना या dividend की policies बनाना. So it is less burdensome on company. Now no need of mortgage, same as in equity share, there is no need of mortgage or security. Clear? कि किसी भी security, जैसे हम loan लेते हैं तो loan के लिए हमें security देनी होती है, वैसे ही जरूरी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसा उनके पास आ रहा है from the public, लेकिन company कोई security नहीं दे रही है, कोई mortgage नहीं दे रही है. तो therefore no need of a mortgage is also an advantages of preference share to the company. Now coming to the investors, now what are the advantages of preference shares to the investor? So first is regular income. As I said you, कि some preference shareholders, उनको क्या मिलता है? Fixed dividend मिलता है. उनको fixed dividend उनका decide किया जाता है कि इनको हर साल इतना dividend दिया जाएगा. पर equity shares में ऐसा नहीं होता है. इस वजह से regular income मिलती है क्योंकि एक fixed income होगी, है? Plus cumulative preference shares में क्या होता है बेटा? हमने अभी पढ़ा था one of the kind of preference share, that is cumulative preference shares. वहाँ पे क्या होता है कि अगर इस साल loss हुआ है, dividend नहीं मिला है, तो इस साल का dividend हमें next साल मिल जाएगा. Clear? तो एक regular income बनी रहती है. Then preference at the time of liquidation, they have a preferential right. जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है बेटा, वाइंड अप होती है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? अपने सारे जितने भी उसके कर्जदार होते हैं, जितने भी उनके डेट होल्डर्स होते हैं, जितने भी उन्होंने बोरोड कैपिटल की होती है, वो सब क्या करते हैं? वापस करते हैं. उसके बाद बोरोड कैपिटल के बाद वो ओन कैपिटल में आते हैं, जिसमें हमारे इक्विटी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं. तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है किस चीज़ की? रीपेमेंट की. सबसे पहले उनको रीपे किया जाता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन बेटा सारे एसेट्स कंपनी के बेचे जाते हैं, सारी बिल्डिंग, सारा कुछ बेचा जाता है, जिससे जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे को जिनसे लोन लिया है उनको पे किया जाता है, डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाता है, अदर इंस्टीट्यूशंस को पे किया जाता है, जितने भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं उनको पे किया जाता है. उसके बाद जो पैसा बच जाता है, अगर तो कंपनी वर्किंग होती है तो उस बचे हुए पैसे से आगे इन्वेस्ट करके आगे कमाया जाता है. लेकिन अब तो कंपनी ही बंद हो रही है, तो उस बचे हुए पैसे को डिवाइड कर दिया जाता है अमंग द शेयर होल्डर्स. और उस पैसे में सबसे पहला जो राइट होता है उस पैसे पे, वो किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का. देन उसके बाद सेफ इन्वेस्टमेंट. अगेन अगर उनको लॉस के टाइम पे भी उनका पैसा कॉमुलेट हो रहा है, इकट्ठा होके उनको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, तो ये तो सेफ इन्वेस्टमेंट है, लॉस का कोई चांसेस ही नहीं है उनके पास. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या होता है? अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के एक पर्टिकुलर ईयर में लॉस हुआ है, देन दे विल नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ डिविडेंड. प्लस इन नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो रहा है, तो दे विल ओनली रिसीव द डिविडेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, नॉट ऑफ द प्रीवियस ईयर when there is a loss to the company. Clear? But in preference share, what will happen? In preference share, if there is a loss in a particular year, that on dividend for that particular year is accumulated and transferred to the next year. Clear? Next year, if the profit happens to the company, if profit company gains profits, then they will provide the preference shareholder dividend for that year plus for the previous year. So this is a safe investment for the preference shareholders, for the investors. So these are the advantages of preference shareholders. So coming back to the topic, preference shares, second kind of the shares. Clear? Source of funds or source of finance, and it is a long-term source of finance according to the classification of sources of finance in
period on the basis of period. It is a long-term source of finance, and according to the classification of sources of finance on the basis of ownership, it is owned capital. Because ये company की ही preference shareholders है तो shareholders ही है ना, इनसे हमें share capital ही आ रही है. Clear? We have to give them dividend. हमें इनको कोई interest नहीं pay करना है, और जो repayment करनी है capital की वो भी at the time of the liquidation ही होती है. ऐसा नहीं है कि 20 साल में या कुछ सालों के बाद उसको repay करना है, नहीं. Clear? So this is your preference share. So in today's lecture that's all. Clear? In next video we'll study about more sources of funds. So thank you.